हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2019 और दूसरे सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, चार तरह के मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं और सारे ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास को। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा रेफरल कोड और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इस रेफरल कोड के थ्रू। और यदि इस रेफरल कोड के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और सारे टीचर्स की आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं अन अकेडमी पर। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये हैं लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और जो भी स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है और एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड किया गया है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के स्थान पर क्या करेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पर नीचे 5 पार्ट्स में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आप फ्रेज रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेज रिप्लेसमेंट से अलग हैं, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो पार्ट दिया है इसको आपको रिप्लेस करना है इन पार्ट से, यहाँ पर नीचे जो पार्ट्स दिए हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, पोटेंशियली वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इंडिया वॉज बींग हैम्पर्ड। देखिए, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको आप हमेशा नोटिस किया करो, क्योंकि ये की वर्ड्स होते हैं और इनसे जल्दी आंसर आपका निकल के आता है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियली इंडिया जो है ये मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट डायनेमिक कंट्री है, लेकिन इंडिया वॉज बींग हैम्पर्ड, यानी इसकी प्रोग्रेस को हैम्पर किया जा रहा था बाय डिवाइडिंग अरे ऑफ स्टेट बाय स्टेट टैक्स कोड। और इसमें आगे दिया है, आगे वाला सेंटेंस यदि आप पढ़ें तो GST इज वाइडली व्यूड एज ए ब्रेक थ्रू, यानी यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस को हैम्पर किया जा रहा था क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेशन था, एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम नहीं था जैसा कि GST में है। तो GST की वजह से एक टैक्सेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसकी इसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेट बाय स्टेट टैक्स कोड, दैट मतलब इस कोड के बारे में बात हो रही है, स्टेट बाय स्टेट टैक्स कोड दैट। तो इस दैट ये किसके लिए है, ये स्टेट बाय स्टेट टैक्स कोड के लिए है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो वो एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है दैट माइट हैव एग्रीगेटेड अराउंड स्टेट बॉर्डर्स। एग्रीगेटेड मतलब वो इकट्ठा हो गया था स्टेट बॉर्डर्स पर, तो इसका कोई सेंस नहीं है। इसकी जगह आप इसमें देखिए ये वाला अगर लगाएं, इसमें यदि फोर वाला लगाएं, दैट डिस्करेज डूइंग बिजनेस अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। तो यहाँ पर एक तो हैम्पर जो है ये लिंक है और एक स्टेट बॉर्डर्स यहाँ पर लिंक है, तो इसके पहले अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स कहना सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेट बाय स्टेट टैक्स कोड की वजह से क्या हुआ था कि इसने क्या किया था, डिस्करेज किया था डूइंग बिजनेस अक्रॉस बॉर्डर को, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेशन था, तो इससे अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर जो बिजनेस होता था वो डिस्करेज होता था, सही तरीके से नहीं हो पाता था, और इसीलिए इसमें ये वर्ड आया है हैम्पर। तो एक कीवर्ड आपका हैम्पर है और एक कीवर्ड आपका स्टेट बॉर्डर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर, दैट इज दैट डिस्करेज डूइंग बिजनेस। बिसीस का मतलब होता है सराउंडेड और एक्सीजेंसीज का मतलब होता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा इसमें। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इज नीदर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन नॉर, मतलब रिजर्वेशन जो है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उससे पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर दिया है और ना ही, नॉर मतलब एक नेगेटिव वर्ड है और जब किसी सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आता है तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का रूल अप्लाई होता है, यानी वर्ब इसमें पहले आएगी क्योंकि नेगेटिव वर्ड शुरू में आ रहा है, तो इसलिए वर्ब शुरू में आएगी और सब्जेक्ट इसमें बाद में जाएगा। अब वर्ब कैसी आएगी, चूंकि इट इसमें सिंगुलर है तो इसलिए हम डू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डज।
तो इसमें आपका जो सही चॉइस होगी वो होगी नॉर डज इट हैव द स्केल टू कोप विद द एग्रेरियन एंड अदर इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्रेरियन क्राइसिस मीन्स फार्मर्स की जो क्राइसिस है, फार्मर्स की और लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये, नॉर डज इट हैव। डस के बाद हम हैज़ नहीं लगाते, डस के बाद हम हैव ही लगाते हैं। तो नॉर डज इट हैव द स्केल टू कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है टू डील विद ए सिचुएशन, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही चॉइस आपकी होगी। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडरिंग द यूएस फर्स्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज अटेम्प्टिंग टू जक्स्टापोज इट्स एम्बिशियस विद ए बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट एंड सेंक्शंस नेटवर्क दैट हैज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज नॉट ओनली फॉर इट्स एडवर्सरीज बट ऑल्सो इट्स क्लोज एलाइज। एडवर्सरीज हम अपोनेंट्स को बोलते हैं, एलाइज हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं जो हमारे सहयोगी हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उनकी जो फिलोसफी है वो यूएस फर्स्ट की एक फिलोसफी है, और इस फिलोसफी के अंतर्गत ही इज अटेम्प्टिंग टू वॉट, ही इज अटेम्प्टिंग टू। देखिए, यहाँ पर हमने एक बाईलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट की बात की है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ही इज अटेम्प्टिंग टू रिप्लेस द रूल्स बेस्ड ट्रेड ऑर्डर या ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर ऊपर दिया है ट्रेड अग्रीमेंट और नीचे दिया है ट्रेड ऑर्डर, तो यहाँ पर सही आंसर इसका यही होगा, ठीक है। निक्स का मतलब होता है नथिंग या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गार्नर। अनसेवरी मतलब जो आपको पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट। इम्पोज मतलब बर्डन, किसी चीज़ पर कोई कर या टैक्स या बर्डन को लादना या इम्पोज करना। डिवेस्ट मतलब डिवेस्ट का मतलब डिप्राइव भी होता है, डिप्राइव। तो काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी मेरी इन क्लासेस के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगे। तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, अभी आप इंग्लिश एडवांटेज चैनल ही देख रहे हैं, तो इसके सारे वीडियो क्लासेस आप देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इन 1644 एट द हाइट ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर पोइट जॉन मिल्टन कॉल्ड ऑन द पार्लियामेंट टू ब्रिंग टू एन एंड द स्टेट लाइसेंसिंग ऑफ न्यूज पेपर विद द रिक्वेस्ट गिव मी अबव ऑल लिबर्टीज द फ्रीडम टू स्पीक। द नोशन ऑफ लिबर्टी टू फ्री स्पीच एंड प्रिंट बींग अबव ऑल लिबर्टीज एंड्यूर्ड फॉर सेंचुरीज। देखिए, लिबर्टी काफ़ी दिनों तक नहीं मिली और इसको सहन किया गया कि लोगों के पास फ्रीडम टू स्पीच नहीं थी। इंड्यूड फॉर सेंचुरी का यही मतलब है, और ये कब तक चला, टिल टेक्नोलॉजी अपेंडेड इट, जब तक टेक्नोलॉजी ने इसको अपसेट नहीं कर दिया, टेक्नोलॉजी ने इसको चेंज नहीं कर दिया। तो अपेंड का मतलब होता है अपसेट या अपसाइड डाउन। तो इंड्यूड, देखिए इंड्यूड का मतलब पास्ट टेंस है ये, तो इसलिए यहाँ पर भी हम ओपेंडेड लगाएंगे पास्ट टेंस, और इसको जब तक इंड्यूर किया गया तब तक टेक्नोलॉजी ने इसको अपसेट नहीं कर दिया। तो फोर्थ यहाँ पर इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है और ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक पार्ट दिया है और ये पार्ट गलत नहीं है, ये पार्ट सही है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अंतर होता है। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि इस वर्ड की जगह कौन से दूसरे वर्ड्स रिप्लेस किए जा सकते हैं जो कि सही होंगे, यानी ये सही है लेकिन इस वर्ड की जगह कौन सा हम दूसरा वर्ड और लगा सकते हैं, यानी आप मान सकते हैं कि ये एक तरीके से इसका इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लेटिट्यूड का क्या मतलब है, प्लेटिट्यूड का मतलब है जिस चीज को, जिस बात को कई बार बोला गया है, समथिंग दैट इज ओवर यूज्ड एंड दैट इज वाई इट हैज लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट। तो प्लेटिट्यूड को हम क्लीशे भी बोलते हैं, क्लीशे। तो यहाँ पर एक क्लीशे वर्ड दिया है, एस्परसंस। एस्परसंस का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। तो यहाँ पर केवल सेकेंड जो ऑप्शन है वो ही इसको रिप्लेस कर सकता है। तो सेकेंड किस में दिया है, सेकेंड दिया है थर्ड में, तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो ये इस तरह के फ्रेज रिप्लेसमेंट होते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंतर होता है। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग करना, जासूसी करना, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको केवल इस तरह के क्वेश्चंस में केवल बोल्ड पार्ट को पढ़ना है, बाकी पार्ट को ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें। प्रेमिस का मतलब होता है कोई हाइपोथेसिस, किसी किसी रूल का किसी थ्योरी पर बेस होना, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस प्रेमिस। तो बेस्ड ऑन बोल सकते हैं और कंजेक्चर ऑन बोल सकते हैं, ऑगमेंटेड नहीं बोल सकते। ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर है, इसमें आंसर होगा आपका फोर्थ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बोल्ड पार्ट है वो है आउट ऑफ द ब्लू, और आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब है, अनएक्सपेक्टेड किसी चीज का होना। जैसे एक्चुअली ब्लू यहां पर जो बोला गया है वो आसमान के लिए बोला गया है, तो आसमान से कोई चीज जब गिरती है तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड वो होती है, तो उसी सेंस में इसका यूज किया गया है। और इसमें यह बोला गया है कि ओलंपिक गेम्स में कुछ इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जो कि अननोन रीजन से आते हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मली अंडर डॉग बोला जाता है, जिनके चांस बहुत कम होते हैं, ऐसा लगता है कि इनके चांस विनिंग के बहुत कम है, उनको परपेचुअल अंडर डॉग बोला जाता है। अंडर डॉग का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके विनिंग के चांसेस काफ़ी कम है, जिसका स्टेटस काफ़ी कम है, लेकिन सडनली वो एकदम विनर बन जाता है। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है इसमें अनएक्सपेक्टेडली, फॉर विडिंगली का मतलब होगा थ्रेटिंगली, आपको रोकने वाला, आपको डराने वाला, और आउट ऑफ ए हे स्टैक, हे स्टैक जैसे जैसे गेहूं होता है, गेहूं का जो भूसा होता है, ठीक है, उस गेहूं के भूसे में यदि आप एक सुई डाल देते हैं, एक निडल डाल देते हैं, तो उसको ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा, तो उसी को हम बोलते हैं हे स्टैक, आउट ऑफ ए हे स्टैक मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड। तो ये यहाँ पर नहीं होगा, फॉर बिडिंगली भी नहीं होगा, ओनली सेकंड यहाँ पर आपका सही होगा, तो सेकंड इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हिपिंग अप पैशन इन ऑर्डर टू रीप इलेक्शन इलेक्टोरल डिविडेंड विल ओनली कास्ट अ शेडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यदि यदि आप इलेक्टोरल डिविडेंड लेने के लिए अपने पैशन को फॉलो करते हैं या कुछ मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। तो क्रेडिबिलिटी का इक्विवेलेंट क्या है, पॉजिबिलिटी, क्योंकि प्लॉजिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, गलेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस के लिए हम गलेबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्रेडेंशियल्स के साथ हम ओवर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर केवल सेकंड ही इसको रिप्लेस कर सकता है, और इसमें आंसर होगा आपका थर्ड। यहाँ पर क्या वर्ड है, अंडरमाइन का क्या मतलब होता है, वीक करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, उसको उसको डैमेज करना या सेबोटाज करना। तो अंडरमाइन के लिए एक तो सेबोटाज हो सकता है और एक लेसन द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपके आंसर हो सकते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड मतलब थर्ड यहाँ पर आंसर होगा आपका। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज करना, टू प्रेज समबडी इंथुजियास्टिकली, दैट इज एक्सटॉल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, वर्ड एक्सचेंज के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और देखिए ये बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो चार वर्ड दिए हैं, इन चार वर्ड को किसी दूसरे पेयर से आपको रिप्लेस करना है। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज इसको मान सकते हैं। तो अथॉरिटी के स्थान पर यहाँ पर प्रेस्टीज कहना सही होगा। और सेकंड में देखिए, यहाँ पर अपोजिशन एक वर्ड आया है, तो अपोजिशन के लिए यहाँ पर हम स्टबर्न अपोजिशन, अपोजिशन के लिए स्टबर्न हम यूज़ नहीं करते, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, इसके लिए हम स्टिफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांसमेंट इन द टंग, इसके लिए हम प्रोफिशियंसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रोफिशियंसी जो वर्ड है वो वैसे भी लैंग्वेज ओरिएंटेड वर्ड है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। इस तरह के क्वेश्चंस में ये जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस आप पढ़ें, एक वर्ड का या दो वर्ड का आपको लिंक मिल जाता है तो आप पूरे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। इम्पीरियस का क्या मतलब है, इम्पीरियस मीन्स एरोगेंट एंड डोमिनियरिंग, जैसे राजा महाराजा होते हैं, जैसे इम्पीरियल लोग होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंपीरियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बिल्ट अपॉन असिस्टेंस बिटवीन इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस कब होगी? यहाँ पर जब गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या होगा, गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स के बीच में असिस्टेंस नहीं कॉपरेशन होगा, असिस्टेंस नहीं। असिस्टेंस तो एक्चुअली एक बॉस और एक नौकर के बीच में होता है, तो कॉपरेशन यहां पर कहना सही होगा। ठीक है, कीपिंग ऑल स्टेक होल्डर भी सही है यहां पर, और पॉलिसी एंड प्रोग्राम का हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहां पर फोर्थ आपका जो है ये सही आंसर है। सेंग्विन मतलब वाइज होता है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या आंसर होगा आपका। द स्मार्ट सिटी मिशन इज एन एडवांस्ड एंड न्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव। एडवांस एडवांस की जगह हम यदि इनोवेटिव बोलें तो अच्छा रहेगा, और इंडिया टू इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी को यूज करना, और एज एज अ मीन्स टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम्स। तो यहां पर ये सेंटेंस इसमें थर्ड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे वर्ड्स को, थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इट इज इनकम्बेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू कंटिन्यूसली प्रोवाइड द मीडिया विद द इमीडिएट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बायस। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें वर्ड को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। इनकम्बेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा, ओनर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इन द लास्ट डिकेड इंडिया हैज बीन अटेंडिंग द इंटरप्ले ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस एंड रिजर्वेशन बाय डोमिनेंट पीजेंट कास्ट। जो जाट हैं और पीजेंट कास्ट है, जो किसानों की जो किसानों का जो ग्रुप है वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो बिडिंग की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डिमांड लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड में इसमें डिमांड वर्ड आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही होगा। फ्रीकी का भी मतलब एब्जर्ड ही होता है, तो फ्रीकी और एब्जर्ड बराबर हैं, तो इसलिए यहां पर फोर्थ आपका सही आंसर होगा। ये रियल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को यदि आप ट्रिक से करते हैं तो विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। देखिए, एक ये मैंने नए पैटर्न क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें क्या करना है, ये स्पॉटिंग एरर का एडवांस वर्जन है। लास्ट पार्ट इसमें ऑलरेडी करेक्ट है, और बाकी के जो चार पार्ट हैं उसमें से एक और करेक्ट है, यानी तीन गलत आंसर आपको निकालना है, और जो सही सही पार्ट होगा, जो ग्रामेटिकली सही होगा, वो आपका आंसर होगा। पब्लिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू। पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है इन ऑर्डर टू, मतलब इसलिए। तो ये पार्ट तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू अटेनिंग नहीं होगा, इन ऑर्डर टू अटेन होगा। ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट हैज इन व्यू फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द मासेस। मासेस इन जनरल मतलब जनरल पब्लिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एज एक्स्ट्रा है। दिस पॉलिसी क्लियरली स्पेल आउट, स्पेल एक वर्ब है, तो इससे पहले हम क्लियरली लगाएंगे। तो इसमें आपका तीनों पार्ट में गलती है, इसमें आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये सही है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। डिमोनिटाइजेशन वॉज अनाउंस्ड विद द एम ऑफ, यहां पर कर्बिंग होगा ये, तो ये पार्ट गलत हो गया। काउंटर फिटिंग द यूज ऑफ हाईली डिनोमिनेशन नोट्स। नोट्स एक्चुअली क्या है, नाउन है, डिनोमिनेशन भी नाउन है, एक्चुअली डिनोमिनेशन भी, नोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो नोट्स को हम मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव से। नोट्स एक नाउन है, तो हाईली नहीं आएगा, यहां पर आएगा हाई, हाई डिनोमिनेशन नोट्स, तो ये हो गया आपका गलत। एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेशली एक्यूमुलेटिंग द ब्लैक मनी, ये सही है। जनरेटेड बाई इनकम दैट हैजंट, हैजंट के साथ बीन आएगा, तो इसमें आपका
स्पेशली एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, लेकिन एक्यूमुलेटिंग भी सही है। इसमें तीसरा जो पार्ट है ये सही है, बाकी पार्ट्स में इसमें एरर है। एक पार्ट हम और देखते हैं, रीजनलिज्म डिस्क्राइब सिचुएशंस इन विच डिफरेंट रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स विद द डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को एग्जिस्ट विद द सेम स्टेट बाउंड्रीज, ऑफन कॉन्सेंट्रेटेड विद इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड शेयरिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी। ये सही है क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो ये है सही पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग और एसएससी, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए पूरा, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरह के वीडियो क्लासेस मैं अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, इसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, तो इसके लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।